जसवंतगढ़ के पाबड़ाव धाम को वो दृश्य आप देख रहे हो, खूब आनंद है। सावन को मीनू है, झूला महोत्सव के लिए जानो जावे। और पाबड़ाव बालाजी धाम का मायने बहुत सुंदर सुंदर झूला है। कोई टाइम के मायने जसवंतगढ़ में झूला महोत्सव होता है, इंडोला होता, लेकिन आज श्रावण के ये अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन बहुत आनंद है। खूब लुगाया टाबर युवा जगह है, हिंडा हिंड रहे, झूला झूल रहा है और मैं भी को आनंद ले रहे हूँ। और निश्चित रूप में श्रावण के महीने के मायने जी की मस्ती है, जो को आनंद है, चाहे वो भक्ति को हो, चाहे अपनी संस्कृति को हो, वो अलबेलो है, अनूठो है। आप देख रहे हो बहुत आनंद ले रहे हैं सगड़ा। श्रावण को जो महीनो है वो भगवान कृष्ण का झूला महोत्सव का महीना हुआ है। तो आप देखो कितना सुंदर वो दृश्य है, बहुत सारी जी की लुगाएं हैं, महिलाएं हैं, वे आपका लड्डू गोपाल जी ने अट भाग में ले रही है। देखो सब लहरियो पेरा क्यों है, श्रावण के मायने लुगाएं जी की साड़ी पेरे, जिसके मायने धारियाँ हुए बिन लहरियो बोले। तो आप देखो बहुत ही सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल जी का जो का श्रृंगार आप देख सको है। तो श्रावण के महीने के मायने भगवान को झूला महोत्सव जसवंतगढ़ को बहुत प्रसिद्ध रही है, हालांकि वो अट बंद हो चुके हो, लेकिन आज के हरियाली तीज के दिन आप देख सको बहुत सारी जी की महिलाओं हैं, लड़कियां हैं, वे आपके घरों लड्डू गोपाल जी को झूलो ले रही है। तो अट खूब आनंद को वातावरण आप देख सको। आपने जसवंतगढ़ को नजारों दिखा रहे हूँ, जसवंतगढ़ का झूला महोत्सव जगह पूरे राजस्थान का मायने प्रसिद्ध है। पिछला 8-10 वर्षों के मायने झूला महोत्सव बंद हो गया, बिको कारण है कि आजकल बदमाशियां होने लगी, क्योंकि खूब लुगाया पताया जगह है झूला महोत्सव आती। तो जसवंतगढ़ का जगह सेठ साहूकार जगह मंदिर का मालिक है, वे झूला ने बंद कर दिया, लेकिन आज हरियाली तीज हरियाली अमावस्या के दिन आप देखो बहुत सारी महिलाओं जी की लुगाएं हैं, वे आपके घरों लड्डू गोपाल जी को झूलो ले रही है। और बाद का मायने आज गोठ मनाई जा रही है, प्रसाद हो रही है, कीर्तन हो रही है, भजन हो रहा है, खूब नाचगान हो रहे है, क्योंकि वो श्रावण को महीनो भगवान शिव की पूजा को महीनो, मस्ती आनंद को महीनो है। और भगवान कृष्ण का झूला महोत्सव वृंदावन का मायने खूब हुआ ब्रिज का मायने। तो आ परंपरा आज जसवंतगढ़ का मायने पावड़ाव धाम में देखने मिल रही है। आप देख सको बहुत बड़ी संख्या में लुगाया जगह है, वे लड्डू गोपाल जी का सुंदर सुंदर झूला ले रही है। तो श्रावण के झूला को एक नजारो आप देख सको, वो परंपरागत झूलो है राजस्थान को, आपने राजस्थानी भाषा के मायने ऊब लिखे हुए हैं। दो जना झूले में बैठे, एक जनो बैठे रहे या बैठी रहे और दूसरा आपके पगाऊ ये झूले ने चलावे। आप देख सको बहुत ताकत सी जाएगी मायने। हर कोई श्रावण की मस्ती का मायने, आप देखो टाबर है, जवान है, बूढ़ा बडेरा, सब खूब आनंद ले रहे हैं। देखो आपका परिवार सहित लोग आए हैं, बच्चों के साथ, छोटा छोटा बच्चों के लिए भी अटे खूब झूला है। देखो छोटा छोटा बच्चा भी आनंद ले रहे हैं। कोई हिंड रहा है तो कोई देख रहा है, सब आनंद ले रहे हैं आप को। देखो जसवंतगढ़ को दृश्य है, हर जगह मस्ती और आनंद देखने मिल रहा है, ऐसा खूब झूला है, बच्चों के लिए भी है, युवाओं के लिए है और बडेरा लोगों के लिए भी है। मैं अपने राजस्थान के मैं नागर जिले के जसवंतगढ़ को नजारों दिखा रहा हूँ। जसवंतगढ़ में एक धार्मिक स्थल है पाबड़ाव धाम, जट हनुमान जी महाराज विराजमान है। सालासर धाम और जसवंतगढ़ का मायने हनुमान जी महाराज विराजमान हुआ, पाबड़ाव धाम के खेत के मायने मूर्ति निकली, गाड़िया के मायने मूर्ति ने सवारी करी गई, एक मूर्ति की गाड़ी जी की एक गाड़ी में जी मूर्ति अठे जसवंतगढ़ में विराजमान हुई, एक गाड़ी सालासर धाम का मायने भक्तों मोहनदास जी महाराज की भक्तियों प्रसन्न हनुमान जी महाराज विराजमान हुआ। कि पाबड़ाव का मायने आज हरियाली अमावस्या का उत्सव चालू है, बहुत सारा झूला लागेड़ा है, छोटा छोटा टाबर है, युवा है, बूढ़ा बडेरा है, सगड़ा झूम रहे है। श्रावण का जगह झूला है जसवंतगढ़ का काफी प्रसिद्ध रहा है, तो झूला को उत्सव देखने मिल रहा है, लुगाया घरों लड्डू गोपाल जी ले रही है, बाकी पूजा हो रही है, सुबह गोट चाल रही है, लेकिन लोग आजकल पार्टी के हुए हैं, लेकिन बूढ़ा
पुराना लोग जो का भी इनको माता, तो आज पूरे दिन लोगों की एटगोट हो रही है और खूब मस्ती सावन की देखने को मिलती है। देखो युवाओं का उत्साह बहुत ही ज्यादा नजर आ रहे हैं। देखो जगह असली झूला है, वे है भगवान का ही झूला महोत्सव श्रावण का मायने। भगवान का बहुत सुंदर कार्यक्रम पूरे राजस्थान के मायने, पूरे देश में हुआ है। वृंदावन का मायने तो झूला उत्सव बहुत प्रसिद्ध है। तो अठे भी देखो, आप सब देखो, लड्डू गोपाल जी का झूला ले सब आया है। हरियाली अमावस्या आज हरियाली चट हुए, खेत का मायने, बाग का मायने लुगाया पताया जावे, बड़े भजन कीर्तन करे, नाचा गावे और भगवान को उत्सव मनावे। और वो झूला महोत्सव आप देखो, आज सत्यनारायण जी अरोड़ा जगह स्वर्ण का समाज सेवी बांकी पुण्यतिथि है, तो रामचरितमानस को पाठ भी चालू है और खूब श्रावण को आनंद सब लोग ले रहे हैं। कड़ी फोटोग्राफी हो रही है, क्यों आज को टाइम है जो वो फोटो सेल्फी को है, तो सब आपको आनंद ले रहे हैं। अरे वो कड़ी फोटोग्राफी को आनंद हो रही है। देखो अगर आप राजस्थान का मायने चुरू जिले की बात करा, तो एक चीज ने लोग मिस करे, आपने क्षेत्र का मायने ज्यादा पहाड़ को नहीं, एक डूंगर बालाजी महाराज को मंदिर है, पहाड़ी हुए पर नदी भी देखने मिले, बड़ा तालाब देखने मिले। तो जसवंतगढ़ का मायने एक छोटो सो तालाब है और पाबोलाव जो है वो जो तालाब है वो काफी प्रसिद्ध रही है। अटे कोई टाइम का मूर्तियां विसर्जन करने भी लोग आता, तो हालांकि रोक लागी। जब अयोध्या कुमार ने भगवान राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को जो जो आधारशिला को कार्यक्रमों भी कमाए ने अनेक मंदिरों की मिट्टी लगाई गई, तालाब को पानी लगाए गए, पबड़ा धाम के तालाब को भी पानी बढ़ भेजो गए, उठा की मिट्टी भी भेजी गई। और आज हरियाली तीज के दिन आप देख रहे हो सुबह उन जगह भक्त ठहरे रहे हैं गोठ मनाने आने लेने, तो लुगाया नारदो भी कर रही है क्योंकि वो बालाजी महाराज का मंदिर को तालाब है तो इन्हें लोग तीर्थ स्थान के बराबर माने। अभी भी आप देख रहे हो बहुत सारी लुगाया दी है, वे अठे आचमन करी है, अट दर्शन करी है। तो श्रावण की जिकी आज अमावस्या है, जिकी हरियाली अमावस्या के वे आज का दिन निश्चित रूप है, जो आनंद है लोगों को वो देखने लायक है और लाग रहे के वास्तव में आज भी लोग अपनी परंपरा अपनी त्योहार में खूब श्रद्धा के सागे बनाओ। देखो तालाब के किनारे आचमन हो रही है। देखो सब ये पुरानी अपनी परंपरा में है, जगह आज भी लोग सब निभावे। सुबह उठे बड़ो मेलो लाग रहे आज हरियाली अमावस्या को, बच्चा की युवाओं की सबकी भीड़ आज सुबह लगे रही है, हर कोई इठास आनंद लेने आ रही है। तालाब को महत्व भी गंगा जी के समान लोग माने, आप देखो आचमन हो रही है। आज मैंने बड़ो आनंद आयो है, आज आपनी जी की राजस्थान की परंपरा देखने मिली है। हरियाली तीज को त्योहार अट मनाये जा रहे है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं, खासतौर अरोड़ा परिवार पूरा उपस्थित है। जगह के आज हमारा जो सुजानगढ़ का समाज सेवी सत्यनारायण अरोड़ा की पुण्यतिथि पर रामचरित मानस को पाठ हो रही है, अन्य गाँव का लोग बेटा आनंद लेने के लिए आए हैं और खासतौर लड्डू गोपाल जी ले रहे लोग भक्त आया, लड्डू गोपाल जी को तालाब में स्नान हुए है, अठे बांका झूला हुआ है और खूब आनंद है। कुछ भक्तों वहाँ पर बातचीत कर सकें कि आज के दिन को कतो महत्व है, कतो आनंद आ रहे है। आज आप कहीं कहीं करो उठे सुबह या बात का रामायण का आनंद लिया है जी। लड्डू गोपाल जी को कहीं प्रोग्राम रह गयो, हरियाली तीज है तो लेके आना था। आपको कहीं ना मजा प्रेमलता, हाँ प्रेमलता जी कहें आज के दिन को कहीं महत्व मानो आप? आज का दिन बहुत बड़ा महत्व, आज अमावस्या की है, हरियाली अमावस्या है। अच्छा, इसके लिए यहाँ पे लोग स्नान करते हैं, सब यहाँ मजे लेते हैं, मस्ती मौज मस्ती करते हैं, वन भोजन करते हैं यहाँ पे आके सब, और लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा सब स्नान करवाते हैं। आपको क्या नाम है? सीता मोदी। हाँ सीता जी, आप कड़ू बता रहे हो? जयपुर से। जयपुर से बता रहे हो, कतो आनंद आयो आज? आज खूब सुबह से आनंद ही आनंद आ रहा है आज। अच्छा अच्छा, सुबह से रामायण के पाठ में बैठे हैं, झूले खा रहे हैं, मौज मस्ती चल रही है, खाना वाना खाया है, अब लड्डू गोपाल जी को यमुना जी में निला रहे हैं।
ये देखिए और तालाब ने यमुना जी को रूप दिया है, अब भावना हुए भक्तों की, देखो वास्तव में ठाकुर जी लाए तो यमुना जी है। बिल्कुल बिजट ठाकुर जी ना हुए भाई यमुना, बहुत सुंदर बात कही आप। बहुत आनंद आ रही है, आज हरियाली तीज है, श्रावण की जी अमावस्या है, मैं भी चाहूँ आज हरियाली अमावस्या है, श्रावण के मायने जी की अमावस्या हुए बिना हरियाली अमावस्या के। आज के दिन अपनी राजस्थान की पुरानी परंपरा रही है, खेता में जंगल में जब हरियाली हुए बट जावे, बट भगवान का भजन कीर्तन करे, बट ही प्रसाद लेवे भोजन करे हिंडा हिंडे, क्योंकि पुराने टाइम में खेतांग मायने खूब बड़ा बड़ा गाछ होता, गलिया में भी होता, तो श्रावण के मायने जी का झूला है हिंडाई पे बहुत प्रसिद्ध है, और भगवान का झूला महोत्सव तो काफी प्रसिद्ध, जसवंतगढ़ में तो बहुत प्रसिद्ध रही है। हालांकि वह संबंध हो गया, मोबाइल को युग है, लोगों ने परंपराओं के प्रति बात थी श्रद्धा को नहीं, फिर भी आप देखो बहुत सारी जी की लुगाएं आज है, वे आपके घरों में लड्डू गोपाल जी ने ले रही है, और अठे लड्डू गोपाल जी ने तालाब में नुहाया है, कह वो यमुना जी है, क्योंकि भगवान जड़ ना भाई यमुना बढ़ जावा। अब बहुत सुंदर बात मैं सुनने मिली है, और आप देखो सुंदर सुंदर झूला ले अठे भगवान का सब आया है, पर ये राजस्थान की परंपरा जिंदा रहनी चीज है, क्योंकि पूरी दुनिया अगर राजस्थान के मायने आवे तो राजस्थान की परंपरा, राजस्थान को पहनाओ, राजस्थान की जगह हेलिया बांध देखने आवे, तो ये परंपरा जद ही जिंदा रहसी, जब आज का युवा जगह है वे अपनी परंपरा में निभासी, और बिया पहली कजिया गोट करसी, हिंडा करसी, और भगवान का भजन कीर्तन करसी। बातचीत आप लोग के नाम ऐसा? सुमन अरोड़ा। हाँ सुमन जी, कड़ू बता रहे हो? जोधपुर से। अच्छा आपने कतो बढ़िया लाग रहे हो आज? बहुत बढ़िया लाग रहे है, मैं तो हर साल आऊंगी। अच्छा अच्छा, ये देख नजारो सावन रो, ओ देख नजारो मौसम रो, मन को कितना भायो है, ओ देख नजारो मौसम को, मन को कितना भायो है, जब सावन आकर महादेव को खुद आकर जल चढ़ाते हैं। क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात। अरे वाह, बहुत झूला का आनंद सब कोई ले रहे हैं, श्रावण का झूला आप देख रहे हो जसवंतगढ़ पावल हाउस। हर कोई आनंद ले रहे हैं श्रावण के झूला को आज। आओ बालाजी का दर्शन करा, आपने बालाजी महाराज का दर्शन कराओ, पाबलाओ धाम बालाजी महाराज का दर्शन, जहाँ आपने बताया कि असोटा में मूर्ति निकली बालाजी महाराज की, एक मूर्ति पाबलाओ में विराजमान हुई, एक साल असर के मायने भक्सवण मोहनदास जी महाराज की भक्तियों प्रसन्न हुए बालाजी। इस श्रावण के महीने के मायने ही नवमियों का दिन, श्रावण सुधी नवमियों का दिन हनुमान जी महाराज साल असर और अट विराजमान हुआ पौड़ाओ को शिवालय, बलभद्र भारती जी महाराज को ढूंढो, हमें कमलेश्वर भारती जी महाराज का पीठाधीश्वर है पावलाओ का। ओसा अपनो खास कार्यक्रम हो, हरियाली अमावस्या के दिन, श्रावण की अमावस्या के दिन आज पावलाओ धाम जसवंतगढ़ के मायने खूब बढ़िया मेलो रियो, लुगाया खूब बट गोट करना आई, भगवान की पूजा करी, कीर्तन कराया, नाची गाई, और खूब झूला झूली जाया, क्योंकि जसवंतगढ़ के मायने झूला का भी प्रसिद्ध आज का बंद हो गया। मैं तो आई चाहूँगा कि अपनी परंपरा पुनः जीवित हुए, अगर लोग अच्छो व्यवहार रखे, लोग शांति रखे, तो आज भी अपना पुराना त्यौहार पर्ज का झूला होता वे सब पाछा शुरू हो सके, लेकिन इनके लिए बड़ो प्रयास करने की आवश्यकता है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, अपना तीज त्यौहार है, जगह के प्रति श्रद्धा रखो, खूब प्रेम रखो, सब मिलजुल त्यौहार मनाओ, भी को आनंद ही अलग है, जहाँ आज अट्ठे आप पावलाओ धाम कमाने देखो। ऐसे सुधाकले मैं शिव कुमार तिवाड़ी, मारा मित्र, मारा सहयोगी दीपक भोजो के सागे आप सब लोगों को धन्यवाद, राम राम। हरियाली अमावस्या की आप सबने बहुत बहुत बधाई शुभकामना, और आगे जगह तीज त्यौहार आवे बाकी भी बधाई।